अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इजाज। आज की वीडियो नंबर टू है रिगार्डिंग लेसन नंबर 10, ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स। ए वर्ल्ड विदाउट बुक, किताबों के बगैर दुनिया। ठीक है, दिस इज यूनिट नंबर 10 है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। आई होप यू आर रेडी। तो अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 119 होगा। ठीक है, आज पैराग्राफ नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। लास्ट टाइम एक पैराग्राफ पढ़ा था हमने सिर्फ। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया था, दूसरा पैराग्राफ तो जाते हैं। There is a frequently asked question, एक अक्सर और बेशतर पूछा जाने वाला सवाल मौजूद है। क्या एक सवाल अक्सर और बेशतर पूछा जाता है कि What would the world be like without books? यानी किताबों से आरी या किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी या होती? अगर दुनिया में किताबें ना होती तो दुनिया कैसी होती? The very question is very absurd and depressing। और ये जो सवाल है, ये सवाल बेतुका और अफसुर्दा कर देने वाला है। अफसर्ड होता बेतुका और डिप्रेसिंग अफसुर्दा करने वाला या मायूस को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ही, ये सवाल बहुत ही बेतुका और मायूस कुन है। It is always said, ये अक्सर कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है, that the latest technology, जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है, signals, इशारा करती है, the demise of the book, यानी किताबों के जवाल की तरफ इशारा करती है। ठीक है जी, it is always said, ये अक्सर, ये हमेशा कहा जाता है, that the latest technology signals the demise of the books, किताबों के जवाल की तरफ इशारा करती है। जवाल या डेथ, डिमाइस का मतलब यहाँ पर जवाल है या खात्मा, या इसको इसको हम डेथ भी कहते हैं, इसका मीनिंग। नेक्स्ट, डिकेड्स गो, अशरों पहले, दहाइयों पहले, एक 10 साल का एक डिकेड होता है। इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था, दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, जो रेडियो है वो किताबों की जगह ले लेगा। डिकेड्स अगो, अशरों पहले या दुहाइयों पहले, इट वाज थॉट, लोगों का ये मानना था, दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, किताबों की जगह रेडियो ले लेगा। द फियर हैज परसिस्टेड थ्रू विद द इन्वेंशंस ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट, वो डर लोगों में वहीं पर मौजूद रहा, यहां तक के टेलीविजन और इंटरनेट की इजादत के बाद भी। यानी जब टेलीविजन और इंटरनेट इजाद हो गए, उसके बाद भी ये डर या खौफ लोगों के जहन में रहा। But scenes like that of the Cantonese man, लेकिन ऐसे मनाजर जैसे कि आपने कैंटनीज शख्स के देखे, रीडिंग द बुक, किताब को पढ़ते हुए, निगेट, नफी करता है द नोशन, उस नजरिए की या उस सोच की, that modern advances, जदीद दौर की जो तरक्की है, pose a threat to reading, रीडिंग के लिए एक खतरा है। ठीक है जी, but the scenes like that of the Cantonese man reading the book, negate, नफी करता है the notion, उस सोच की, that modern advances, जदीद तरक्की, pose a threat to reading, रीडिंग के लिए एक, यानी मुताले के लिए एक खतरा है। Books are themselves a form of technology. किताबें अपने अंदर ही एक टेक्नोलॉजी की सूरत हैं। That is spread over the pages, जो कि पेजेस पर, सफात पर फैली हुई हैं, and makes us delve deep into the complexities of life, और हमें जिंदगी की पेचीदगियों में खोज लगाने का मौका देती हैं। Delve into यानी किसी चीज को गहराई में जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना, कम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियां। उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ गई, या नहीं आई तो इसको आप रिपीट करें और देखें। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, अदब इंसानों की कहानी है, या अदब दास्ताने इंसान है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम।
एंड वेयर वी आर गोइंग. इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर. ये उस चीज का रिकॉर्ड है कि हम कौन लोग हैं, वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहां से आते हैं, एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम किस हिम्मत में जा रहे हैं. Books makes us travel at large. किताबें हमें हमसे तवील सफर कराती हैं. During our journey, हमारे सफर के दौरान we are connected with humanity. हमारा इंसानियत से रिश्ता बनता है, तालक बन जाता है. We identify ourselves. हम अपनी शनाख्त करते हैं with the character, उन किरदारों से we meet, जिनसे हम मिलते हैं. And learn whether we love, loathe, fear or flutter. और हम ये सीखते हैं या हमें ये मालूम होता है कि आया के हम लोग मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, खौफजदा हैं या डरते हैं या खुशामदी हैं. They help us comprehend our faults and aspirations. वो हमारी मदद करते हैं हमारी faults, हमारी गलतियां और हमारी तमन्नाएं या ख्वाहिशात को समझने में. Comprehend का मतलब समझना, faults, गलतियां, aspirations, तमन्नाएं, ख्वाहिशात. They tell us who could we become if we are not careful. वो हमें बताती हैं कि हमारा क्या बनेगा अगर हम मोहतात नहीं होंगे तो. अगर हम केयरफुल या मोहतात नहीं होंगे तो हमारा क्या बन सकता है. Reading provides the deepest connection to the morals that make us humans and a part of a larger society. मुतालिया, किताबों का मुतालिया हमें मुहैया करता है एक गहरा तरीन रबत, कनेक्शन टू द मॉरल्स, उन अखलाकियात से, दैट मेक अस ह्यूमंस, जो हमें इंसान बनाते हैं, एंड पार्ट ऑफ ए लार्जर सोसाइटी, और एक बड़े मुआशरे का हिस्सा भी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन टुडे. और अगर आपको नहीं समझ आई, इसको कपल ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करें, वीडियो को अंडरस्टैंड करें, और ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू योर ओन वर्ड्स. तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. और तब तक अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.